इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राहुल वो आइए खाने वाले। दो बड़ी सफलता मिली है जिसमें एक थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत और एक थाना आईए क्षेत्र अंतर्गत सफलता प्राप्त की है। कोतवाली क्षेत्र में रात्रि में मध्य रात्रि के दौरान थानावाड़ी कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा सघन चेकिंग और गश्त की जा रही थी। इसी बीच उनको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शिव शक्ति ग्राउंड मोती बंगला के पास में बैठे हुए हैं और वो लोग किसी व्यापारी को डकैती डालने की योजना बना रहे हैं और आँख में मिर्ची झोंक के किस प्रकार से डकी जाए इस प्रकार की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा तत्काल रात में घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके वहाँ मौके से चार आरोपियों को पकड़ा गया। एक उनका साथी जो है भागने में कामयाब हुआ। पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि यह लोग चारों पांच अपने साथी पांचवें साथी के साथ में मिलकर सोनकच्छ के एक सरिया व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे थे और इन पे जब जमा तलाशी ली गई तो दो आरोपियों के पास में जो है 9 mm की पिस्टल और जिंदा राउंड मिले हैं। इसके साथ में दो आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और दो चाकू बरामद हुए हैं जो खटकेदार हैं। इस प्रकार से इन पे आरोपियों के विरुद्ध धारा 399-402 IPC के अंतर्गत अखंड पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना में लिया गया है। एक आरोपी विजेंद्र इनका जो साथी वो फरार है। चार और आरोपी पकड़े गए हैं सोहन सोनू और नासिर और गोलू। ये चारों आरोपियों के विरुद्ध जो है आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से है और एक आरोपी नासिर जो है 13 वर्ष की पूर्व में सजा काटकर आया हुआ है और ये सभी लोग साथी बदमाश थे लेकिन पुलिस की सतर्कता से कोई वारदात करने के पूर्व भी इन चारों को पकड़ा गया है और इनका एक साथी फरार है। उस पर भी पुलिस के द्वारा इनाम घोषित कराया जाके उस पर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। क्या अपराध कर रहे हैं? हाँ, इसी प्रकार से आईए क्षेत्र में जो है पुलिस द्वारा जो पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश में सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी तो रात्रि के समय चेकिंग के दौरान एक वाहन जो है अपना मधुमलन चौराहे से टाटा चौराहे की तरफ जाता हुआ दिखा। ओमनी वाहन था जिसको रोक के चेक करने की कोशिश की तो उसमें से उतर कर चार पांच लोग भागने लगे जिनको पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी करके अलग अलग स्थानों पर पकड़ा तो सभी 6 लोग उसमें पकड़े गए। 6ों के पास में जो है खटकेदार चाकू और धारदार हथियार मिले हैं। इन 6ों के विरुद्ध 25 Arms Act में प्रकरण कायम किया गया है और 6 अलग अलग व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण कायम करके उन कार्रवाई की गई है। ये 6 जो है इंदौर के रहने वाले थे और इनके विरुद्ध भी पूर्व से अपराध दर्ज है। ये भी एक बड़ी सफलता है। इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर आए थे। इनका एक साथी जो है यहाँ न्यायालय में आया हुआ था उसी के साथ में ये लोग आसपास में शहर में थे लेकिन पुलिस के द्वारा अपनी सघन चेकिंग के दौरान और सतर्कतापूर्वक कार्रवाई करके इन 6ों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई की गई है। सर जिस तरह से बता रहे हैं अपराध का तरीका जो कोतवाली थाना था और जो कोतवाली थाने में पकड़े गए हैं ये लोग तो व्यापारी को लूटने की और डकैती डालने की पूर्व में कहाँ कहाँ इन्होंने अपराध किए? पूर्व में इनके विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में अपराध है। एक व्यक्ति इसमें लोकल है और 3 जो आरोपी है वो इंदौर क्षेत्र में रहने वाले हैं और एक जो आरोपी है उसको 13 वर्ष की ऑलरेडी नासिर को सजा भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है अपराधी व्यक्ति है लेकिन देवास पुलिस की सक्रियता से इन सभी को पकड़ा गया है और कार्रवाई की गई। अच्छा, पहले भी कहना लूट की वारदात को अंजाम जाएगा इस तरह इनके और रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। इनके एक आरोपी गोलू के विरुद्ध 14 अपराध हैं, एक आरोपी के विरुद्ध 9 अपराध हैं। इस प्रकार सभी आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाए गए हैं। ठीक है।